नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ कंटोले की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है और कई सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। और ये सिर्फ बारिश के मौसम 2 महीने ही मिलते हैं, तो इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसाले से बना हुआ है, बहुत कम मसाले डले हैं जो कि सभी के पास होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। चलिए बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या लेना है और कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर कंटोला लेकर के आई हूँ। कई जगह पे कंटोला या ककोड़ा बोला जाता है और कई जगह पे इसे चट्ठैल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे स्पाइनी गार्ड या डिजल गार्ड भी बोलते हैं। और ये देखिए, इसको जब लेते हैं तो बिल्कुल हरी भरी लेनी चाहिए, थोड़ी छोटे से साइज में लेना चाहिए। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है और ये गुणों से भरपूर होता है। और ये सीज़न बरसात के सीज़न में ही मिलता है और ये 2 महीने तक ही मिलते हैं। ये गुणों से भरपूर होता है, इसमें कंटोला में आयरन और प्रोटीन भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें लो कैलोरी से भरपूर होने की वजह से आप इसे यूज करके वजन भी कम कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है और मधुमेह के रोगी जिनको डायबिटीज़ बोलते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे स्वीट करेले के नाम से भी जानते हैं और आँखों की प्रॉब्लम में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। सीजनल सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, ये 2 महीने ही मिलते हैं बरसात के सीज़न में, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल कांटे कांटे से होते हैं, इस तरह से देखिए। ये देखिए, इसमें ना बहुत कांटे कांटे से होते हैं पर ये चुभने वाले कांटे नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, और कई जगह पे इसे चट्ठैल भी बोलते हैं। तो और इसे यूज करने से पहले कई बार अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है जो कांटे से होते हैं इसमें फंसे रह जाते हैं। तो कम से कम 3 से 4 बार बहुत ही अच्छे से इसे धो लीजिए, उसके बाद इसको देखिए ऊपर से इस तरह से काट करके हटा लीजिए और ये नीचे से, और इस तरह से इसे आप जिस तरह से आप काटना चाहते हैं उस तरह से काटिए। और ये देखिए बिल्कुल इसके बीज सॉफ्ट हैं, यदि हार्ड होते हैं तो आप इसके निकाल भी सकते हैं और इस तरह से लंबे लंबे काट लेते हैं इस तरह से। बहुत ही मोटे पीसेस नहीं करेंगे, बहुत ही पतले भी नहीं करेंगे। देखिए ग्राम से ये 500 ग्राम था कंटोला, ये सभी को मैंने इस तरह से देखिए काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने देखिए 4 प्याज लिए हुए हैं, मीडियम आकार के प्याज हैं 4। अब इसे भी काट लेंगे, इसे भी मैं लंबे लंबे काट लूँगी इस तरह से स्लाइस में। ये देखिए इस तरह से पतले पतले से काट लेंगे सभी को। ये देखिए मैंने प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है लंबे लंबे, और ये टमाटर 2 लिए हैं बड़े बड़े हैं और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है और गैस को ऑन करके मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कंटोला में, तो इसमें 3-4 बड़े चम्मच मैं डाल दूँगी तेल को। कंटोला मेरा 500 ग्राम है। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। कई लोगों को तेल सरसों का तेल पसंद नहीं होता है, तो इसलिए इसमें मैं देखिए 3-4 चुटकी है नमक। इसे जब तेल गर्म होता है तो इसमें डाल दें और डाल के थोड़ा सा चला दें तो इससे इसकी महक चली जाती है और इसका जो अरोमा आता है तेल का बहुत ही अच्छा आता है और इसमें जो सब्ज़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी और तेल इसे फट जाता है देखिए इस तरह से चलाने से, और बहुत ही अच्छा अरोमा आने लगता है इसे। अब इसके बाद डालेंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए हींग का अरोमा जो है पूरे तेल में अच्छे से आ गया है, तो इस समय मैं डाल दूंगी ककोड़ा जो हमने काट करके रखा है। और इसे तेज आंच पे इसे फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हाई फ्लेम पे
फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लग गया है। अब इस तरह से हाई फ्लेम पे जब इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी जैसा हो जाएगा और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा और थोड़ा पक भी जाएगा ये। तो इसी तरह से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ मसाले ले लेंगे। यहाँ पर तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच ले लिया, आधी चम्मच और ले लेंगे, 1.5 चम्मच के करीब ले लेंगे। 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। ये देखिए इन मसालों को प्लेट में डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, 1 छोटी कटोरी पानी डाल रहे हैं। अब इस मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इन मसालों का अरोमा अच्छे से आ जाए इन पानी में और अच्छे से अच्छा स्वाद आए। थोड़ा सा फूल जाएगा तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और जब हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो मसाले जलेंगे भी नहीं। ये देखिए हाई फ्लेम पे भूनते हुए इसे अच्छे से फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कंटोला बिल्कुल गोल्डन कलर का हो चुका है, एक ऊपर से गोल्डन कलर का लेयर आ चुका है इसमें। और ये देखिए एक पीस दबा करके देखते हैं इसे, ये देखिए पक भी गए हैं, ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे इसमें से, इस तरह से निकालेंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा तो इस साइड में इकट्ठा हो जाएगा कढ़ाई में ही, कम से कम तेल आए सब्जी के साथ बाहर, इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए सारे कंटोला को मैंने निकाल लिया है और बिल्कुल हल्का सा तेल और बच गया है तो थोड़ी सी मैं तेल 1 चम्मच और डाल दूंगी इसमें, 1 बड़ा चम्मच तेल मैंने और डाल दिया है। अब इसे गर्म होने देंगे अच्छे से, हमारा ऑयल गर्म हो गया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच राई डाल देंगे। इसे चटकते ही मैं डाल दूंगी स्लाइस किया हुआ प्याज था जो बारीक बारीक लंबा लंबा सा चॉप किया था। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका लेंगे प्याज को, 3 से 4 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनते हुए। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, कूटा हुआ है ये मोटा मोटा, और अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है प्याज को, बस थोड़ा सा लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए इसमें मैं मसाले जो पानी में डाल कर रखी थी वो डाल दूंगी और साथ में उसे भी पका लूंगी। ये देखिए मसाले पकने लग गए हैं। अब देखिए पानी इसका ख़त्म हो गया है, जो मसाले का पानी था। मीडियम फ्लेम पे ही मैं मसालों को भून रही हूँ अच्छे से। इसमें मैं चॉप करके रखी थी टमाटर, वो टमाटर डाल दूंगी इसमें और इसके साथ ही भून लूंगी। टमाटर डालते ही मैं डाल दूंगी स्वादानुसार नमक, दो से तीन मिनट तक मैं ढक्कन लगा करके इसे पका लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 मिनट पकते हुए हो गया ढक्कन लगा के, वो ढक्कन हटा दिया है मैंने। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के दही डाल देंगे। ये देखिए मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने दही डाल दिया है और इसको अच्छे से चला देंगे, लगातार चलाएंगे इसे। आप चाहें तो फेंट करके भी डाल सकते हैं, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दही डालने की वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में, बिल्कुल खाने में अमेजिंग लगेगा, बच्चे वगैरह सभी को पसंद आएगा। ऐसे आप बना करके दे दें तो उन्हें पसंद नहीं आता है। सीजनल सब्जी है और गुणों से बिल्कुल भरपूर है, इसलिए खाना ज़रूरी है, खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये सब्ज़ी। आधी छोटी चम्मच मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ और डाल रही हूँ हरी धनिया, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही डाल देंगे फ्राई किए हुए जो कि कोड़े थे या कंटोला आप जो भी बोलते हैं, और सभी को साथ में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस
को लीड लगा करके अच्छे से ढक कर रख 2 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि इसके मसाले जो हैं कंटोला में बिल्कुल अच्छे से रच बस जाए और अरोमा उसका बहुत ही अच्छा आए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब देखिए ढक्कन हटा करके देख लेते हैं और बंद कर देते हैं गैस को। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ, यहाँ से दबा करके देखिए बिल्कुल अलग हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से पक गया है ये। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल लटपटी सी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई नहीं है, इस तरह से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सूखी होता है तो रोटी के साथ भी अच्छा नहीं लगता, रोटी पराठे पूरी के साथ। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है, अब इसे हम कर देंगे प्लेटिंग। जब इसे खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगा, इसे आप जर्नी वगैरह में भी ले जा सकते हैं। बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, ये आप जर्नी वगैरह में, छोटी जर्नी हो तो आप आराम से ले जा सकते हैं इसे। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है और बनाने में इसे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दिया है और बिल्कुल टेस्टी टेस्टी से सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसे धनिया के पत्ता से गार्निश कर देते हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।